डेमो दिखाऊंगा डिफरेंस अबाउट फॉर एवर अब्सॉर्बेड सी एंड जो मार्केट में विटामिन सी हमें अवेलेबल होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बनाऊंगा, मैं अभी इसमें बीटाडीन डालूंगा और देखेंगे। विटामिन एक तरह का समझ देख सकते हैं कि विटामिन सी इसको डिटॉक्सीफाई करता है, ये केमिकल है हमारे बॉडी में आता है और इसको विटामिन सी बॉडी को में से अगर हम रेगुलर बेसिस में विटामिन सी लेते हैं तो ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो कुछ उस तरह से हमारी ये बॉडी केमिकल हो जाती है। तो यहाँ पे विटामिन सी कैसे काम करता है मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों का सबका बराबर लेबल हो जाना चाहिए ताकि। तो आपको ये दिखाता हूँ, ये विटामिन सी जो लेमन से हमें मिलता है ये यहाँ पे क्या करता है, ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए विटामिन सी हेल्प करता है। ये मैंने इतना लेमन डाला तो ये इसको क्लीन तो कर रहा है बट प्रॉपरली नहीं क्लीन कर पा रहा है। मैं इसमें एक हाफ लेमन और भी ऐड करता हूँ। ये मैंने इसमें फुल लेमन डाल दिया तो ये इस टॉक्सिन्स को क्लीन कर दिया। और मैं यहाँ पे इस ग्लास को क्लीन करूँगा, एक फॉरेवर का प्रोडक्ट है फॉरेवर एब्सॉर्बेड सी। तो मैं एक छोटा सा टैबलेट लूँगा इसका और एक छोटा सा मैंने इसका टैबलेट लिया और ये एब्सॉर्बेड सी इसको डिटॉक्स करेगा। ये मैंने हाफ टैबलेट ही इसमें डाला है और ये आप देख रहे हो, ये बिना किसी हेल्प के मैंने इसमें चम्मच भी नहीं फेरा है, इन टॉक्सिन्स को ये रिमूव कर रहा है, ये सारे टॉक्सिन्स क्लीन हो गए इसमें से। आपको दोनों का इफ़ेक्ट्स पता चला होगा, नेचर का और जो नींबू का कितना टाइम लगा डिटॉक्स करने में और ये हमारे एब्सॉर्बेड सी कितना फास्ट डिटॉक्स करता है। अब देखते हैं कि ये नींबू कितना टाइम तक हमारे बॉडी में काम करता है। इसमें हम थोड़ा सा और केमिकल डाल दिया तो अभी ये नींबू इसको डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिसमें एब्सॉर्बेड सी डाला था मैं उसको थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा और ये डिटॉक्स हो गया, क्लीन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो एब्सॉर्बेड सी विटामिन है आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहता है और उसका इफ़ेक्ट रहता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में ये मिलता है। ये डिफरेंस है अबाउट फॉर एवर एब्सॉर्बेड सी एंड जो मार्केट में हम विटामिन सी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं।